आज हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग। ये एक हेयर ड्रायर है बाय क्रोमा, टाटा प्रोडक्ट, भाई टाटा कंपनी आप सभी को पता है कितना बड़ा है। तो चलिए बिना किसी बकवास के ना इसको फटाफट खोल के इस डब्बे को देखते हैं कि इसके अंदर कैसा है, और पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, बाल धो के भी दिखाऊंगा, सुखा के भी दिखाऊंगा कि काम अच्छे से करता है कि नहीं करता है, और लास्ट में प्राइस भी बताने वाला हूँ। उससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन से प्रेस कर लें। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं टेकी सूरज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये इसका डब्बा है और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक्चुअली में क्या क्या है, मटेरियल, माल मटेरियल जो भी है। सो इसमें कुछ ज़्यादा ओपन करने का सिस्टम नहीं था, बस इसको मैंने पहले से खोल रखा था, बट आप लोग के लिए मैं इसको दोबारा करने वाला हूँ अनबॉक्स। सो गाइस, सबसे पहले ये निकलता है इसके अंदर से जो हमारा मेन माल है, इसको हम रखते हैं साइड में, और उसके बाद ये कुछ पुस्तकें हैं जो पुस्तक कोई पढ़ता नहीं है, इस ज़माने में कौन पुस्तक पढ़ता है, इसी बात है डिजिटल इंडिया होगा, बाकी डब्बा बेकार है, इसी काम करिए। सो हमारा मेन जो माल है वो ये है। सो गाइस, ये देखो, ये आएगा आपका ऐसा करना, ये फोल्डेबल है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा, इसको फोल्ड करके आप रख पाओ और इसको ऐसे करके आप यू नो यूज कर सकते हो। अच्छा, ये देखो गाइस, यहाँ पे इसके पावर मोड्स 0, 1, 2, मींस आप यहाँ से इसके स्पीड को बढ़ा दे सकते हो और कम कर सकते हो, और यहीं से बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बकवास के, बिना किसी देरी के इसको यूज करके देखते हैं कि एक्चुअली मैं बाल को सुखा पाएगा। गाइस देखो, मैं आप लोग के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। गाइस अभी मैं बाल धो रहा हूँ गीला, ठीक है, ये कोई। So guys, ये करके मैंने बाल को अपने पूरा पूरा गीला, ठीक है, आओ अब चलते हैं अंदर एक बार उसको चेक करते हैं। So guys, इसको करते हैं प्लग इन। गाइज केयरफुली, बच्चे बिल्कुल दूर रहे इस चीज से, लाइट वाला सामान है भैया, ठीक है। सो ये लगा दिया मैंने, प्लग कर दिया इसको और चेक करते चल रहा है क्या। अच्छा, अब समझ में आया थोड़ा सा, चालू हो गया, इसमें देख करते हैं बोर्ड में, सब गर्म हवा आ रहा, बहुत गर्म हवा आ रहा। चलिए ट्राई करते हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे बाल क्लोज लगे, थोड़ा पास लगे दिखाओ, पास लगे, आप देख पा रहे होंगे मेरे बाल पूरा गीला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको एक बारी, पहले वन पे करेंगे ट्राई, ठीक है। सो गाइस, ये वन पे बहुत टाइम लगा रहा है, अभी मेरा हाथ आप देख पा रहे होंगे पूरा गीला हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये वन पे तो बहुत टाइम लगा रहा है, वन पे बहुत टाइम लगा रहा है, तो एक काम करते हैं, अब इसको करते हैं टू पे, और टू पे चेक करते हैं कि ये कितने तेज करता है, ठीक है। सो वन टू, गाइज बहुत ही बोरिंग है इसको यूज़ करना सही में यार, या तो आपके पास बहुत सारा फालतू टाइम हो सही में, और आप डायरेक्ट अगर सोचो ना कि बाल गीला करके आप आके तुरंत पोंछ लो ना भाई, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, टाइम लग रहा है, ठीक है। और बाल को पूरा सुखाने के लिए कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सो एक बार और करता हूँ मैं, ओके ड्राई। सो गाइस फाइनली ये पूरा सूख चुका है मेरा बाल, इसको निकाल देते हैं बाल। सो गाइस मैं बताऊं आपको, सो गाइस देखो इस प्रोडक्ट का बाल सूख गया ना, आप देख पा रहे होंगे मेरे हेयर पूरे सूख चुके हैं, एकदम कंप्लीटली पूरा सूख चुका है पूरा बाल, अच्छे से पूरा। सो गाइस लास्ट में ये मैं बताऊं, जिस बजट में आता है ये 1200 से 1300 के बीच में आता है, ये उस बजट में अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का हेयर ड्रायर चाहते हो ना, तो इससे बेस्ट और चीप कोई सा भी नहीं है, तो आप खरीद सकते हो इसको, अच्छा है नो डाउट, अच्छा है। जिसके बाल बहुत बड़े हैं ना, उसके लिए यू नो थोड़ा टाइम लगेगा, अब मेरे बाल इतने छोटे हैं, उसके बाद भी सुखाने में इसको कम से कम यार ये मान के चलो कि 5 मिनट तो लगा ही लगा कम से कम। सो ऑल ओवर ये गुड है, अच्छा है, बढ़िया है, आप भी इसे खरीद सकते हो। बाकी आपके पास कौन सा कंपनी का हेयर ड्रायर है और आप क्या खरीदना चाह रहे हो क्या हेयर ड्रायर, सो क्या राय है आपका इस बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक मज़ा वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।